हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पूनम स्मॉल वर्ल्ड में। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट बिलो ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे उसे पिटूनिया प्लांट कहा जाता है। ये एक एनुअल हर्बेशियस प्लांट होता है जो सोलेनासी फैमिली से बिलोंग करता है। आज ये समर का मेरा फर्स्ट फ्लावर है। अभी ये एक दो ही फ्लावर्स अभी इसमें लगे हुए हैं। कुछ टाइम बाद ये पूरा पॉट इन वाइट कलर के फ्लावर्स से भर जाएगा। इन्हें सीड से लगाया गया था तो इसलिए इन्हें ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग गया। इसका पिटूनिया की और भी बहुत सारी कलरफुल वैराइटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी दिखती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, और वो स्पेशली विंटर्स में होती हैं वो पिटूनिया। ये वाले जो मेरे पास जो ये है ये वाइट कलर का है, बहुत ही प्यारा लगता है। वाइट कलर वैसे भी पीस देता है। इसको आप अपने समर में इस प्लांट को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा जो पॉट है वो फ्लावर से भर जाता है। और केयर इसमें यही कि ज़्यादा डायरेक्ट वाली सनलाइट्स नहीं होनी चाहिए, भीनी भीनी वाली धूप इसके लिए रहती है। और मॉर्निंग टाइम में इसको पानी दे दीजिए, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी अगर लगती है कि वो सूख चुकी है तभी इसके ऊपर पानी डालिए, नहीं तो हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिए। बहुत प्यारे लगते हैं ये, तो इसको आप लगा सकते हैं। और इसकी मिट्टी के लिए इसका ये रहता है, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। और मिट्टी ज़्यादा मॉइस्चर के लिए हल्का मॉइस्चर रखें इसमें, पूरा ड्राई भी नहीं होने दें इसको। और बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके फ्लावर्स जो होते हैं, मुझे स्पेशली वाइट वाला अच्छा लगता है। तो सीड्स की वजह से ये काफ़ी धीरे धीरे इसकी ग्रोथ थी। नेक्स्ट टाइम जब इसमें अभी फिर से सीड, जब इसका पूरा फ्लावर्स के बाद जो फ्रूट वाला साइकिल पूरा हो जाएगा फिर इसमें सीड्स आएंगे, तो तब मैं आपको उसमें दिखाऊंगी किस तरीके से इसको सीड के द्वारा ग्रो किया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे फिर एक नए प्लांट के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।